तो दोस्तों ये है एरिका पाम के प्लांट। ये नई नई लीव्स इसमें बन रही हैं, ये देखिए नई नई ग्रोथ हो रही है। और काफ़ी सारे प्लांट मेरे एक ही पॉट में काफ़ी सारे इसके प्लांट हो चुके हैं, जिनको कि हम बाद में अलग भी करेंगे। जब अलग करूँगी इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मेरे पास एरिका पाम के काफ़ी सारे प्लांट हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितना हरा भरा मेरा एरिका पाम ये हो रहा है। लेकिन कुछ एरिका पाम ये देखिए जो आप देख रहे हो, इनकी पत्तियों में हल्का सा पीलापन हो गया है। तो ये मैं आज वीडियो शेयर कर रही हूँ क्यों हुआ और कैसे ये हमारा पीलापन अच्छा होगा, इसके बारे में आपके साथ। इसके पूरा फर्टिलाइज़र, इसका रख रखाव, मानसून शुरू हो गया है, कैसे हमें प्लांट को रखना है, कितना पानी डालना है, कौन सी खाद रखनी है, क्या इसके केयर और टिप्स हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करी ना, वो है एरिका पाम के प्लांट के बारे में कि एरिका पाम देखिए ना, मानसून शुरू हो गया है, मानसून पहुँच गया है। अभी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में नहीं पहुँचा है, बस प्री मानसून की आज पहली बार, आज 21 जून है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर सुबह हुई है, थोड़ी सी अभी 1 घंटे पहले भी हुई है, लेकिन मानसून ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन इतनी उमस बढ़ गई है, देखो इतना पसीना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि कल परसों धूप में ना हमारे यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर जो है क्रॉस कर चुका था। तो लेकिन अब मानसून आने वाला है, तो कैसे हम अपने एरिका पाम को रखेंगे, केयर करेंगे, कितना हमें पानी, बारिश का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधों के लिए, बहुत विटामिन्स मिनरल्स हमारे पानी में होते हैं। देखो ना, एक ही बारिश पड़ने पर हमारे पेड़ पौधे कैसे हरे भरे और लंबे चौड़े हो जाते हैं, जबकि हम रोज़ रोज़ पानी डाल लो ना, उससे भी पौधों की ग्रोथ वैसी नहीं होती, जो कि एक ही बारिश जब मानसून शुरू होता है, एक ही बारिश आने पर हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ हो जाती है। तो हमें क्या टिप्स भी, हमें केयर क्या करनी है इस मानसून में, उसके बारे में बात करते हैं, और एरिका पाम के बारे में बात करते हैं, कैसे हमें इसको अच्छा करना है, अच्छा बनाना है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे ये पेड़ है, ये प्लांट है, तो एरिका पाम में क्या होता है कि जो है ना, इसमें जो है ना टहनियाँ, बीज से टहनियाँ शाखाएँ नहीं आती हैं, जो भी प्लांट होते हैं जड़ से ही होते हैं, नए प्लांट नई ग्रोथ, जड़ से ही हमारे अनेकों प्लांट निकल जाते हैं एक ही प्लांट से। तो सबसे पहले जो इसमें सूखी पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती है ना, इनको हर किसी को इनको जो है ना हटा देना चाहिए, इनको कट कर देना चाहिए, और जो भी इसमें सूखी जो छाल होती है ना बाहर की, इसको भी निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये पेड़ों में जो है फंगस लगने का डर होता है, इससे फंगस लग जाता है और फंगस से हमारा पेड़ जो है ख़राब हो जाते हैं। ऊपर पता नहीं चलता है, लेकिन इसकी जड़ों में जो है ना नीचे फंगस लग जाता है। तो जो सूखी लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, उनको हमें हटा देना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल दिए हैं, ये देखिए ये पत्ती निकाली ना, इसकी जड़ में देखिए ऐसे फंगस है, गल सी जाती है, तो ऐसे ये पेड़ में नीचे को फंगस पहुंचाती है, नीचे को चले जाता है, तो गलन हो जाती है, तो नीचे को ऐसे ही पेड़ हमारा ख़राब होता है, नीचे जड़ें गलने लग जाती हैं, ऊपर पेड़ ख़राब हो जाता, धीरे धीरे पता नहीं चलता पेड़ हमारा सूखने लग जाता। तो ठीक है, ये हमने कर दिया। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी पॉट की जहाँ हल्की हल्की हमको गुड़ाई कर लेनी चाहिए थोड़ा बहुत। अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई है ना, हल्की सी बारिश हुई है, तो ऊपर की मिट्टी जो है ना इनकी गीली हो गई है, सारे पॉटों को मैं गुड़ाई कर लूँगी, तो इसमें तो मेरा काफ़ी टाइम लगेगा, मैं कर लूँगी। मेरे पास 4-5 पॉट हैं ये, तो ये मैं करते रहूँगी, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपके साथ इतना ही इसको मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पूरे प्लांटों की सब पॉटों में जो है गुड़ाई कर दी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ध्यान ये रखना है अब इसमें, कि उसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है हमें। एरिका पाम के प्लांट में पानी हमें डालना है, लेकिन इसका ड्रेनेज हो नीचे से देखना है। बरसात में अगर अक्सर जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, चिपक जाता है, नीचे से जाम हो जाता है, तो पानी रुक जाता है, उससे भी हमारी जड़ें अंदर गल जाएंगी, फंगस होगा, पेड़ ख़त्म हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। बरसात का पानी बहुत अच्छा है, 1-2 बारिश के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लगातार 4-5 दिन जब बाद मानसून में होता है ना, कभी पतझड़ होता है, कभी सज्जड़ हो जाता है हमारे यहाँ पर, वो होता है, तो उसमें हमको आपको पौधों की केयर करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा और पौधे को लगातार देखना पड़ेगा। दोस्तों ये पौधा जो है ना, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो तो बताने वाली ही हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक फर्टिलाइज़र हम और डाल हैं, वो है हमारा बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट क्या है दोस्तों, इतना बड़ा प्लांट है, इतने सारे इसमें पेड़ हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन भी पौधों को जरूर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। तो इसमें हम डालेंगे बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट में ना सब कुछ होता है, देखिए बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पूरी सारे मिनरल्स, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ बर्मी कंपोस्ट में होता है। है तो गाय का ही गोबर होता है, लेकिन क्या होता है कि अलग तरीके से बनाई जाती है बर्मी कंपोस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। उसके बाद 2-3 मिट्टी हम एक पेड़ में इसको डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिला देते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी चैनल पर एक एरिका पाम की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एरिका पाम के लिए चाय की पत्ती का बहुत तगड़ा फर्टिलाइजर होता है, चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पूरे पौधों की ग्रोथ के लिए और इनको ग्रीन रखने के लिए बहुत
उपयोगी होता है, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, कैसे बनाना है, कितना डालना है, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐसे डाल के इसको मिला देंगे। तो दोस्तों मैंने सारे प्लांटों में वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दी है। तो अब आगे हमें क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला मैं आज आपको बता रही हूँ कि हम इसमें क्या डालना है, वो बताती हूँ दोस्तों। तो देखिए इसके लिए मैंने ले रखा है रॉक सॉल्ट, ये है सेंधा नमक, तो ये सेंधा नमक डालेंगे। ये सेंधा नमक है, इसको हम आज डालने वाले हैं। ये बहुत ही पावरफुल हमारे एरिका पाम के लिए होता है। क्यों होता है अब बताती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जो है ना एरिका पाम जो है ना, ये है कोकोनट, जो हमारे नारियल वगैरह होते हैं ना उसी की फैमिली का होता है। तो दोस्तों ये नारियल फैमिली के ही, देखिए इसके पत्ते लीव्स ये उसी के होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, समुद्री किनारे समुद्री कोस्टल एरियाज में ना पानी जो है कितना नमकीन होता है, तो वहाँ लेकिन कितने हरे भरे और अच्छे होते हैं। तो उस हिसाब से उस लिए हमको इसमें हल्का सा रॉक सॉल्ट जो है हमें मिलाना चाहिए। वो दूसरा वाला नमक नहीं मिलाना है, रॉक सॉल्ट ही हमें मिलाना है इसमें, सेंधा नमक जिसको कहते हैं उसको मिलाना है। तो उससे जो है हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा पेड़ पौधा, और जब हरा भरा स्वस्थ रहेगा तो हमें ऑक्सीजन भी अच्छी भरपूर मात्रा में मिलेगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्यूरीफायर वाला प्लांट है, हमें ऑक्सीजन देता है। इंडोर प्लांट है, हम इसको घर के अंदर भी रखते हैं, तो अच्छी अच्छी लीव्स आएंगी और हमें जो है अच्छी अच्छी इससे ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसके लिए जो है ना महीने में तीन महीने में एक बार आप जो है सेंधा नमक को प्लांट में जरूर डालिएगा एरिका पाम की, और जरूर डालिएगा। अब तो मानसून आ रहा है, इसमें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डालिएगा। बारिश होती है कई बार, कितनी चीज़ें पौधों में डाल के ज़्यादा पानी से न्यूट्रिशन हमारे बाहर भी निकल जाते हैं, बह जाते हैं। तो ये जो है रॉक सॉल्ट हम जिसमें डालेंगे तो वो इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इसको डालना कैसे है, कितना डालना है, कितनी मात्रा हमें डालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सेंधा नमक निकाल लिया है एक कटोरे में। तो अब इसको डालना कैसे, अगर आपका एक प्लांट है दोस्तों तो एक प्लांट में देखिए चम्मच का ये चौथाई हिस्सा इतना लेना है आपको। इसको घोलना है एक लीटर पानी में, जितना आपका प्लांट में पानी चाहिए लगेगा उतने पानी में आपको इसको घोलना है। मेरे तो अभी 5 प्लांट हैं यहाँ पर, तो मैं इसको चम्मच भर के एक चम्मच ले लेती हूँ, ऐसे ले लेती हूँ, बहुत भी नहीं, इतना ले लेती हूँ, एक चम्मच ले लेती हूँ। और इस एक चम्मच को मैं, ये 2 लीटर का पानी का डिब्बा मैंने रखा है, 2 लीटर पानी में मैं इसको भिगो लेती हूँ। इसको ज़्यादा भी हमें नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया और पेड़ वैसे भी सुखा दिया, वैसे भी सूख गया है, इससे ये नहीं करना। बस हल्का सा नमक, हल्का सा इसको हमको खारा नमकीन पानी हमारा इसको मिल जाना है। तो इतना हमें इसको डालना है और थोड़ी थोड़ी करके अपने प्लांट में हम इसको डाल देंगे। दोस्तों प्लांट में पानी भी आप जब भी डालते हैं, पानी इसको ज़्यादा नहीं डालना है, जब हमारी मिट्टी थोड़ी सूखती है तभी हम इसमें पानी डालते हैं, हल्का हल्का मॉइस्चर हमारे इसमें बना रहना चाहिए। और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है कि हमने इतनी सारी खादें डाली हैं, इतने मिनरल्स विटामिन जो भी हम डाल लें, इतनी पानी डाल दे रहे हो आपकी सारा नीचे से निकल के बह जा रहा, तो सारा बह आता है। अक्सर मैं देखती हूँ लोग पानी डालते हैं, पाइप पकड़ते हैं, पाइप से पानी डालते हैं, ऊपर से नीचे सारा उसका जितने मिनरल्स विटामिन खाद आपने डाली होती है ना वो भी बह के निकल जाती है। यहाँ तक कि इवन जो फर्श वगैरह होता है ना उसमें भी आप देखना गोबर खाद जो भी हमारी डाली रहती है ना उसके निशान भी बन जाते हैं, तो सारा न्यूट्रिशन जो है निकल के बह जाता है। तो देख लीजिए कि आपने प्लांट के कितना पानी हमारा टिक रहा, किसी में एक लीटर पानी से बाहर नहीं निकलता है, 2 लीटर पानी से बाहर नहीं निकलता, तो उतना ही हमें पेड़ पौधों में डालना चाहिए। तो ये देखिए मैंने सारे प्लांट में अपना सेंधा नमक का लिक्विड डाल दिया है। तो दोस्तों ये आज की जानकारी है, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो देखिए कुछ ही दिनों में ना अब मेरी ये ग्रीन जो लीव्स हैं ये पीले हो रहे हैं ना पत्ते, ये भी हमारे जो है ना हरे हो जाएंगे। इसको अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, अगर जब ख़राब होने लगे कोई लीव्स तो उन्हें कट कर देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन लीव्स मेरी हेल्दी हैं, ये धूप की वजह से जल गई हैं और ख़राब हो रही हैं, तो ये मेरी ग्रीन हो जाएंगी। मैं बाद में वीडियो शेयर करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अभी आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये प्लांट को मैं इसको दिखाऊँगी, इनको अलग अलग करूँगी, हमारा कितने सारे प्लांट बनेंगे, इससे भी प्लांट बन जाएंगे, इधर भी प्लांट है, बहुत सारे मेरे प्लांट बन जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इसको अलग अलग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।